डिबी आज की खबर निफ्टी है और निफ्टी के बारे में क्या पर्टिकुलर टारगेट है। सो एक डाउनग्रेड का थीम हमने देखा है कंटिन्यूड और निफ्टी में डाउनग्रेड्स कंटिन्यू रह रहे हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है यूबीएस की 815-820 को रिलीज हुई है। मार्केट में इसकी बहुत चर्चा हो रही है और इसके लिए ये आज की हमारी खबर है। 15,500 का टारगेट है, 14,100 से लेकर 17,000 तक का उनका एक रेंज है टारगेट का, बट वो बिलीव कर रहे हैं कि डेटा इंडिकेटर्स इतने अच्छे नहीं है तो ईपीएस डाउनग्रेड उनके हिसाब से चलने चाहिए। उन्हें लगता है कमोडिटी प्राइसेस एक बहुत बड़ा डेंट करेगी। ऊपर से जिस तरीके का माहौल हो रहा है कंजम्पशन कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज इतना अच्छा नहीं कर पाएगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो उन्होंने एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग लिखी है कि लास्ट 18 महीने से निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस जो चल रहा था उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीस थी कि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स एसआईपी बहुत ही धुआंधार तरीके से मार्केट में पैसा डाल रहे थे, बट वो कह रहे हैं कि फर्स्ट साइंस ऑफ रिवर्सल इसमें एक दिख रहा है। ऐसा कि वो यहां से बहुत पिट जाएगा, बट उन्हें लगता है कि इस खिलाफ से या इस पर्टिकुलर मोर से कोई मेजर पॉजिटिव न्यूज आने की उम्मीद नहीं है। तो जब तक एफआईआर सेलिंग चल रही है मार्केट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड बना रह सकता है। हाउएवर उनका टारगेट 15,500 है, वर्स्ट केस में वो 14,100 देखते हैं। तो आज की हमारी खबर निफ्टी है और जो डाउनग्रेड ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है डी स्ट्रीट पे स्पेशली ऑन एफआईआर ब्रोकरेजेस। पंकज आपकी बड़ी खबर निफ्टी है और हमारी भी बड़ी नजर निफ्टी पर ही है। चलिए ये समझ लेते हैं कि निफ्टी आज जाने का या निफ्टी क्या चाल आज हो रह सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स का क्या व्यू निकल कर आ रहा है दोनों इंडेक्स पर, जो इंडेक्स ट्रेडर्स हैं वो आज क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं। निफ्टी पर एक बार पहले व्यू देख लेते हैं। हालांकि बाउंस बैक का ये एक व्यू निकल कर आ रहा है लेकिन नरेश को और कुणाल बोथरा को अब भी होल्ड लगता है, वो क्लियरली डायरेक्शन नहीं देख रहे, लेकिन वन साइडेड डायरेक्शन चिराग को और कुश को यहां निफ्टी पर बाय कॉल लगती है। इसी तरह से एक बार बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। कल बैंक निफ्टी ने काफी वोलेटाइल मूव्स दी इसलिए बैंक निफ्टी यहां कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर लग रहा है नरेश को कुश को और चिराग कबानी को जब भी वो इसे बाय कह रहे हैं, लेकिन कुणाल थोड़ा अब भी कॉशियस लग रहे हैं। तो डिम्पी बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर मूव दिखा सकता है, वो कल भी दिखा रहा था वो आज भी दिखा सकता है क्योंकि एक तो उसका इंडेक्स छोटा और उसके अंदर आईसीआईसीआई कोटक जैसे शेयर दोनों की वेटेज वाले शेयर थोड़ा चल रहे हैं और एचडीएफसी तो दो तीन दिन से आपको